आप लोग देखते होंगे कि कई इंडेक्स आते हैं, उसमें आपको स्विट्जरलैंड टॉप पर देखने को मिलेगा। और भारत की उसमें स्थिति की बात करूं तो आप देखते होंगे नीचे से हम लोग टॉप करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप समझते होंगे कि जब क्लास में एक में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं कि उनका ऊपर से टॉप आ रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नीचे से टॉप करते हैं। आप समझ रहे हैं, आप लोग जिनकी बुरी स्थिति होती है वो नीचे से टॉप करते हैं। तो वही हमारे भारत की भी कई इंडेक्सों में, कई सूचकांकों में है। तो आज बात करते हैं हम लोग भारत और आपके स्विट्जरलैंड के संबंधों के बारे में, और भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। और कई बार आप देखते हैं कई संगठन है, जैसे WHO हो गया या फिर WTO हो गया, इसका इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और एक बात और याद रखिए, आपकी आपके जितने भी संगठन हैं उन्हें कवर करवा दिया गया है, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से एक सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई संगठन छूटा हुआ है तो उसे बताइए, उसे भी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहते हैं और हमेशा पूछे जाते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार इंडेक्स के बारे में पूछ लेता है, रिपोर्ट के बारे में पूछ लेता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इनके बारे में, सभी संगठनों के बारे में विस्तार से आप लोग पढ़िए और बताइए, अगर कोई कमी है तो उसे भी दे देंगे। यहां आप देखेंगे भारत, ये हमारा प्यारा भारत। और आप जैसे ही यूरोप में जाएंगे तो मध्य यूरोप में आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड। क्या देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड। और इसमें कई, आप लोकतंत्र के मामले में लीजिए, फिर चाहे खुशहाली के मामले में ले लीजिए, इस देश आपको टॉप पर ही देखने को मिलेगा लगभग। ये है आपका स्विट्जरलैंड, दिखाई दे रहा है स्विट्जरलैंड, इसी की बात कर रहा हूं मैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड में के अपने समकक्ष के साथ एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया है। अभी जितनी भी बैठक हो रही है, जो भी हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है, इसे ही आप लोग वर्चुअल बैठक कह देते हैं या वर्चुअल सम्मेलन कह देते हैं आप लोग, क्योंकि अभी आपका लॉकडाउन के कारण या कोरोना महामारी के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा पाना संभव नहीं हो रहा है। तो कई बार आप सुनते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग की है, इस संगठन में की है, इस देश से की है। तो यही है आपकी, ठीक है, एक तरह से आप भी कह सकते हैं कि हमने भी वर्चुअल बात की, मतलब किसी से बैठक की है, जब आप किसी से वीडियो कॉलिंग करते हैं तो एक तरह से ये भी है। अगर इन दोनों देशों के बीच अगर हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें, किन पर इनका एक तरह से संबंध है, तो सबसे पहले आप देखेंगे व्यापार। एक कहने का मतलब है कि आप भी देखते होंगे कि आप अगर किसी से संबंध रखे हैं तो आपकी पार्टनरशिप का मतलब किस मुद्दे को लेकर एक तरह से आपके दोनों के बीच समझौता हो रहे हैं। देश है, एक ऐसा तो है नहीं कि कोई समाज सेवा है कि एक समाज सेवा कर रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए किसी देश से। हर देश को किसी ना किसी देश से कुछ जरूरत होती है, इसलिए वो संबंध रखते हैं और संबंध बनाए जाते हैं। एक समय आप देखते थे कि रूस हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था और एक भरोसेमंद दोस्त हुआ करता था, और आपने देखा होगा कि अमेरिका पाकिस्तान और चीन का साथ देता था, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की जरूरत थी उसे कब, अमेरिका को चीन, इन दोनों देशों की जरूरत थी। अमेरिका की जरूरत बदल गई, दोस्त भी बदल गए। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की और चाइना की तरफ रूस का झुकाव दिखाई दे रहा है और अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ दिखाई दे रहा है। अगर चीन को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत की मदद की जरूरत पड़ेगी, किसे? अमेरिका को। इस बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते की वार्ता को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। ये देश यूरोपीय संघ या EU का हिस्सा नहीं है, जिसके साथ भारत अलग से भारत EU व्यापक व्यापार और निवेश समझौते पर बातचीत कर रहा है। प्रस्तावित समझौते के तहत वस्तुओं और सेवाओं के साथ निवेश, व्यापार सुविधा, सीमा सहयोग, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा तथा सार्वजनिक खरीद आदि को शामिल किया गया है। इस बैठक के दौरान भारत स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी चर्चा की गई है। याद रहे कि पिछले कुछ समय में से इस संधि का को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। आप देखेंगे द्विपक्षीय निवेश संधियों संधियां दो देशों के बीच निवेशकों द्वारा किए गए निवेश एक दूसरे के देश में की रक्षा के उद्देश्य की गई कुछ संधियां हैं। अगर हम बात करें बहुपक्षीय मंच की, तो बैठक के दौरान भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO
टिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड के समर्थन की मांग की है। याद रखिए WTO को भी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इसे भी आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। याद रहे कि COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु टीकों और नई प्रौद्योगिकी का समान साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत ने WTO से COVID-19 संबंधी बौद्धिक संपदा IP अधिकारों को निरस्त करने की मांग की है। बौद्धिक संपदा अधिकारों पर इस प्रकार का अस्थायी प्रतिबंध लगाने से कुछ ही पेटेंट धारकों द्वारा केंद्रीय उत्पादन की बजाय विश्व के कई हिस्सों में अनेक उत्पादक महत्वपूर्ण दवाओं और उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। ये आपको स्विट्जरलैंड है, ठीक है, छोटा सा देश। भारत स्विट्जरलैंड संबंधों की बात करें, अगर पृष्ठभूमि, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और स्विट्जरलैंड के संबंध बहुत ही मित्रवत और सौहार्दपूर्ण रहे, जो लोकतंत्र और कानून के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच 1948 में एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिली थी एक तरह से, ठीक है। आर्थिक संबंधों की बात करें, तो व्यापार एक्जिम बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्विट्जरलैंड भारत का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। निवेश की बात करें, तो अप्रैल सन 2000 और सितंबर 2019 के बीच स्विट्जरलैंड ने भारत में लगभग 4.781 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, और इसके साथ वही भारत में 12वां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है स्विट्जरलैंड। याद रहे कि यह राशि अप्रैल सन 2000 और सितंबर 2019 के बीच भारत में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 1.0% है। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो वर्ष 2003 में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग पर एक अंतर सरकारी फेमबर्ग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इसके तहत वर्ष 2000 में एक भारत स्वेस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। कौशल की बात करें अगर हम लोग, तो भारत में उच्च मानक के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों देशों के कई संस्थानों ने साझेदारी की है, और इसमें से कुछ प्रमुख हैं: भारतीय कौशल विकास परिषद और विश्वविद्यालय, इंडो स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पुणे, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र अंतरिक्ष। और याद रखिए, हमें कभी बराबरी, ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे की बराबरी किससे करने लग जाएं जो बस्ती में रह रहा हो, जिसे कोई सुविधाएं ना हो, जो एक तरह से आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रखता हो, उनसे अपने बच्चे की तुलना करके एक तरह से अपने बच्चे के साथ अन्याय कर रहे होते हैं आप लोग। तो हमें अगर तुलना करनी है तो इन देशों से करिए ना, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम तुलना किससे करने लग जाते हैं? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। अभी अरे भाई, उसे छोड़िए, उनकी हालत कहाँ है। अगर हमें लगता है कि हम पाकिस्तान की बराबरी करके हम कह रहे हैं कि वो हम पाकिस्तान से आगे हैं, पाकिस्तान का एक पिटारा अगर हम बजाते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें सोच आगे की रखनी चाहिए ना, हमें अमेरिका की बात करनी चाहिए कि अमेरिका की बराबरी करें हम लोग। अब आप लोग, कई लोग नहीं मानते, और मुझे लगता है कि आप न्यूज पेपरों से जुड़े हुए हैं और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, भले आप सच ना बोल पा रहे हो, लेकिन चाइना की अभी भी आप जानते होंगे कि कई इंडेक्स आते हैं जिनमें चाइना हमसे आगे है। और आपने सुना भी होगा कि आने वाले दिनों में GDP के मामले में चाइना पहले नंबर पर पहुंचने वाला है। तो हमें इस तरह की सोच रखनी होगी, समझ रहे हैं आप। और इन देशों से हमें कुछ सीखना चाहिए एक तरह से, कि यहां किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से ये देश काम कर रहे हैं। और हम लोग एक ही मुद्दा पकड़ के बैठ जाते हैं, उसी पर पूरी राजनीति करते रहते हैं। और राजनेताओं के छोड़िए, आज के अगर आप राजनेता की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू या गांधी या लाल बहादुर शास्त्री अंबेडकर से करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंसाफ नहीं है। आज के नेता सिर्फ अपना एक तरह से काम धंधा कर रहे हैं, जिस तरह से आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि आपको कोई नौकरी मिल जाए, अपना घर परिवार चलाएं, उसी तरह नेता भी अपना काम कर रहे हैं, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। और इस बात को आप लोगों ने लॉकडाउन में देख भी लिया है कि कितनी हमदर्दी है आपके नेताओं को आपके प्रति, समझ में आए। किसी नेता कोई बोल रहा था, नेता का बेटा, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि मैं राजनीति नहीं करता तो भीख मांगता। और मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं,
कि अगर ये राजनीति ना करते तो ये भीख मांगने की औकात भी लायक ना रहते। समझ में है? तो आप समझिए कि, और आप लोग पता नहीं मुझे कि किस तरह से अंधभक्ति हमारे यहाँ, और मैं सोचता हूं कि अंधभक्ति और गुलामी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। गुलाम बस इतना फर्क है, गुलाम मजबूर होता है गुलामी करने के लिए, और भक्त क्या होते हैं? भक्त सच जानते ही नहीं है, वो जिसके प्रति भी भक्ति करते हैं उसे जी जान से लग जाते हैं। कई बाबाओं के बारे में आप भक्ति की सुनते हैं कि बाद में उनके बाबाओं की करतूतों का पता चला है, तो आपने देखा है क्या, किस तरह से जेलों में पड़े हुए हैं, अभी भी लोग उन्हें मानते हैं क्योंकि वो भक्त हैं उनके। ठीक है, तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखिए, और मैं कहता हूं कम से कम ऐसे मुद्दों पर वोट दिया करिएगा जो आपके बच्चों का भविष्य संभाल सके, आपके देश के बारे में आगे ले जा सके। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, खैर, पढ़ते रहिए आप लोग।